उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने बचे हैं और सभी राजनीतिक दल अपना परचम रहलाने के लिए जनता के बीच में निकल चुके हैं। साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग कर रहे हैं सभी राजनीतिक दल। आपको बता दें कि इसी कड़ी में शिवपाल सिंह यादव, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत की थी। 12 अक्टूबर से वो रथ यात्रा निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि वो आधे से ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश के आधे से ज़्यादा शहरों में वो दौड़ा कर चुके हैं। शिवपाल सिंह यादव बड़े परिवर्तन की बात कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था किसानों से, वो एक भी वादा जमीन पर पूरा होते नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ उद्योगपतियों की पार्टी है, वो सिर्फ उद्योगपतियों को बढ़ाने का काम करती है, पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम करती है। किसानों से वादा किया गया था कि खाते में पैसे आएंगे, नहीं आए। काला धन वापस लाने की बात की गई थी, नहीं आए। तमाम चीज़ों को लेकर के शिवपाल सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की जो है भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। आइए आपको सुनवाते हैं शिवपाल सिंह यादव ने क्या कुछ कहा। सर, आज आपकी परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन रैली जो यात्रा जो की है, ये जनता में क्या क्या संदेश देती है? देखिए, हमने ये 12 अक्टूबर को सामाजिक परिवर्तन यात्रा मथुरा माँ के बिहारी जी के दर्शन करके पूजा करके निकले हैं। अब ये यात्रा हमारे लगभग आधा उत्तर प्रदेश से ज़्यादा ही में हम घूम चुके हैं। अब परसों से हमारी ये पूर्वांचल की ओर है और ये यात्रा पूर्वांचल में सभी जगह घूम करके 30 नवंबर को हम अयोध्या में लगभग समाप्त की ओर हैं। जहाँ रह जाएंगे एक एक दो दो छोटे छोटी जगह वहाँ फिर चलेंगे, लेकिन समापन उसी दिन भगवान राम, यानी कृष्ण से शुरू किया है, अब भगवान राम की पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। अब ये सामाजिक परिवर्तन जरूरी है इस समय। इस समय देखिए, इन्होंने वादे तो बहुत कर दिए थे 7 साल पहले, अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया है। केवल धर्म और जाति के नाम पर केवल इनकी राजनीति चल रही है और ये लोग चला भी रहे हैं। विकास से कोई मतलब है नहीं इन्हें। इन्होंने देखिए बहुत बातें तो करते हैं, हमारा देश प्रदेश आगे बढ़ रहा है, कौन सा काम किया है? कोई काम नहीं किया। विकास का काम, सड़कों का देख लो, पुलों का देख लो, महंगाई इतनी, महंगाई के बाद भ्रष्टाचार कितना बढ़ा हर चीज पे। पहले तो इन्होंने मारा जनता को, लूटा, डीजल पेट्रोल सब बढ़ाते ही चले गए। बाद में दीपावली के समय पे पेट्रोल पंप वालों को, मालकों को मार दिया, उनकी दिवाली भी ठीक नहीं होने दी। दोनों तरफ मार करते हैं ये, जनता को भी मार करने के बाद अब जनता हम कहेंगे मैंने तो बढ़े हुए दाम घटा दिए, लूट लिया जनता। जनता कितना दुखी है इस समय, पूरे देश की, उत्तर प्रदेश का भी बुरा हाल है, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से। अच्छा, कोरोना की बीमारी आई है, मुकाबला करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, नहीं कर पाए मुकाबला, ऑक्सीजन दे नहीं पाए, बेड दे नहीं पाए, दवाएं दे नहीं पाए, लुट गई जनता, मर भी गए, चले भी गए हम लोगों, इतने लोग मरे। अब डेंगू की भी नहीं कर पा रहे इलाज, डेंगू का इलाज नहीं कर पाए, सरकारी अस्पतालों में किसी में भी दवा नहीं। किसी अस्पताल में चले जाओ, डॉक्टर लिखता है दवा, और कमीशनखोरी खूब हो रही है सरकारी अस्पतालों में, कहीं दवा मिल नहीं रही, कमीशनखोरी हो रही। तो ये दवाएं, अगर जाओ तो नंबर दो की दवाएं, घटिया कंपनी की दवाएं सरकारी अस्पतालों में, तो वो कोई असर भी नहीं करती ऐसी बीमारी, तो लुट गई जनता से, नहीं लुट गई। और फिर कोरोना फैला तो आप लोगों ने तो हिसाब लगाया होगा कितने लोग बेरोजगार हुए इनकी गलत नीतियों की वजह से और गलत निर्णय लेने की वजह से। जो फैसले लिए हैं कितने गलत फैसले थे, कितनी बेरोजगारी बढ़ी, 15 करोड़ लोग बेरोजगार हुए थे पहले कोरोना, दूसरे 5 करोड़,
लोग बेरोजगार हैं, तो बताइए। और फिर निजीकरण के नाम पर, निजीकरण के नाम पर बेरोजगारी कितनी फैली है। निजीकरण के नाम पर कम से कम आरक्षण तो फिर तो शुरू करना चाहिए था, जिन जिन को पूंजीपतियों को, केवल ये सरकार केवल पूंजीपतियों को, पूंजीपतियों को। सर, 4 साल पहले अडानी का नाम सुना था, 4 साल पहले का भी। अब हैं, अब भी और सरकार बन जाए तो अभी तो एशियाई में नंबर 2 है, फिर तो कौन जाएगा वो फर्स्ट पे। सर बाइट का चुनाव, बाइट का चुनाव सर गठबंधन से लड़ेंगे या आपके पार्टी अलग चुनाव लड़ेंगे। देखिए मैंने तो आज से नहीं, 2 साल पहले से मैंने कहा समान विचारधारा वाली पार्टियां, सेकुलर पार्टियां, मैंने तो कहा गांधीवादी पार्टियां, लोहियावादी लोग, गांधीवादी लोग, लोहियावादी लोग, चौधरी चरण सिंह वादी लोग, ये मिलकर जहाँ भी हम सब इकट्ठे हो जाओ कहा है। समाजवादी पार्टी से भी कहा अलायंस कर लो, अलायंस विलय कर लो। अभी हाल में अपने साथ में आपको साथ में लेकर लड़ने की बात कही। हाँ कही, अच्छी बात है, हमारे लोगों का सम्मान हो जाना चाहिए, हमारे हमारे लोगों का सम्मान हो जाना चाहिए, हमारे लोगों को सम्मान पूर्वक टिकट मिल जाना चाहिए। हम तैयार, हम तैयार, चलो हमारी बात पहुंचा देना। ये सपा से यदि आप हाथ मिला रहे हैं, हाँ हाँ, तो सरोज नगर विधानसभा से कैंडिडेट किसका होगा, इसकी चिंता मत करना, हम लोग पूछ लेंगे चुपचाप, आपको पूछ लेंगे, आपके मन में अगर कोई बात हो तो आपसे पूछ लेंगे। आपने मुलाकात की थी ओवैसी से, गठबंधन की क्या बात चल रही है। देखिए हमारी अभी तो कोई बात नहीं है, मैंने कहा सेकुलर पार्टी है, वो पार्टी है उनकी, बड़े नेता हैं वो, हैं, हम तो चाहेंगे कि सब लोग एक हो जाओ भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। तो मायावती ने एक बात कही है कि सपा और कांग्रेस को हराने के लिए मुझे यदि बीजेपी को वोट देना पड़ेगा तो हम समर्थन दे देंगे। तो अब उनकी बात को हम क्या बताएं, कहाँ चली जाए, किसके पास चली जाए, मुझे नहीं पता है, नहीं पूछे ना। क्या नया मुद्दा लेकर के आप उतर रहे हैं जनता के बीच, जिस तरह से चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, उन्होंने साफ ये कहा सरकार बनेगी तो पूरा किसानों को कर्जा माफ, बिजली आप, आपका क्या नया रहेगा। देखिए हम किसानों को लुटने नहीं देंगे, पिटने नहीं देंगे, जो बर्बाद कर दिया है किसान को। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन लागू करता है, सरकार ही तो करती है, उनका पहले पानी का, खाद का, बीज का, मेहनत का सब जोड़ना चाहिए, महंगाई के हिसाब से सब चीजें जोड़ना चाहिए। मेरे पास कृषि विभाग भी रहा, मंडी तो रही हमारे पास 4 साल, पौने 4 साल, एक भी किसान को सरकारी कांटों पर नहीं जाना पड़ता था। मैंने कहा जितना न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारी लागू करती है, तय करती है, उससे 5 रुपए 10 रुपए ज़्यादा ही मिलें तो उनकी लूट बच जाती है। जो आजकल जब कांटों पे जाते हैं तो अभी गेहूं का दाम मिलना चाहिए था 1975 रुपया, धान का भी ऐसे ही है, धान का भी है 1960 रुपया के करीब, तो ये मिलना चाहिए। तो हमने नहर का पानी फ्री दिया था, हमने ट्यूबवेल का, सरकारी ट्यूबवेल का पानी फ्री दिया था, न बिजली का दाम लगा न कुछ लगा, फ्री दिया था। तो किसानों को सुविधाएं देना चाहिए, तो देंगे। और हमने तो कहा है कि बेरोजगारी जब इतनी फैली है तो कम से कम जैसी चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हर परिवार में एक बेटी को एक बेटे को नौकरी देने की जिम्मेदारी सरकार की होना चाहिए। अगर मेरी सरकार बनती है तो देंगे, और सस्ती बिजली, 24 घंटे बिजली, बिजली की तो अब सबको जरूरत है। अब पूछना हमने बिजली पर कितना काम किया है 4 साल में, कोई काम नहीं किया। अभी गांव में जाओ, हम तो गए हैं, कई जगह गए हैं, जिलों में भी गए, 7 घंटे 8 घंटे करीब, तो ये मिलना चाहिए। तो हमने नहर का पानी फ्री दिया था, हमने ट्यूबवेल का, सरकारी ट्यूबवेल का पानी फ्री दिया था, न बिजली का दाम लगा न कुछ लगा, फ्री दिया था। तो किसानों को सुविधाएं देना चाहिए, तो देंगे। और हमने तो कहा है कि बेरोजगारी जब इतनी फैली है
तो कम से कम जैसी चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हर परिवार में एक बेटी को एक बेटे को नौकरी देने की जिम्मेदारी सरकार की होना चाहिए। अगर मेरी सरकार बनती है तो देंगे, और सस्ती बिजली, 24 घंटे बिजली। बिजली की तो अब सबको जरूरत है। अब पूछना, इनने बिजली पर कितना काम किया है 4 साल में? कोई काम नहीं किया। अभी गांव में जाओ, हम तो गए हैं, कई जगह गए हैं, जहाँ जिलों में भी गए, 7 घंटे 8 घंटे बस बिजली मिल रही है। बताओ क्या होगा 7 घंटे 8 घंटे? तो 24 घंटे बिजली, सस्ती बिजली और 300 यूनिट मुफ्त में, क्या इस कोई बार बिल नहीं। दीपावली की मिठास में अखिलेश जी के साथ रिश्तों की मिठास बढ़ गई है? अच्छी बात की है, बात नहीं हुई है मिठास अभी तो। सब ही जब मिलके बातचीत हो उसका इंतजार करिए। उन्होंने तो पहल कर दी है, अब खुलासा आपको करना है। तो सम्मान करें, हमारा भी करें, हमारे साथियों का करें, और सम्मान को हमें टिकट दें। मैं तैयार हूँ।